अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। पेशावर ज़ैनी के फैंस के लिए है बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि ज़ैनी फैंस के लिए तैयार हो चुका है बहुत ही बड़ा सरप्राइज। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग का मिनी ड्राफ्ट एक बार फिर होगा, यानी कि शर्जील, अहमद शहजाद, उमर अकमल, सुहेब मकसूद की जो फैंस हैं वो दिल छोटा मत करें, क्योंकि 6 प्लेयर्स अभी और पिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारा सीन क्या है यही तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो ड्राफ्ट हुआ 16 प्लेयर्स को पिक किया गया, लेकिन बहुत से फैंस मायूस हुए कि भाई हमारे सुपरस्टारों को पिक क्यों नहीं किया गया। मैं बात कर रहा हूं शर्जील की, अहमद शहजाद की, उमर अकमल की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पेशावर ज़ैनी के सबसे बड़े सरप्राइज की, क्योंकि ज़ैनी के ऑनर ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। क्या आप पार्शल अवेलेबिलिटी के अंदर बेन स्टोक्स को देखना चाहते हैं? क्या आप ट्रेंट बोल्ट को देखना चाहते हैं? लेकिन उस बंदे ने हिंट ये दिया है कि पीएसएल का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं। क्या आप इस बंदे को देखना चाहते हैं? शिमार जोसफ, जी हां, वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है। बंदे ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के अंदर डेब्यू किया, 13 विकेट बंदा ले गया और कमाल, यानी कि धमाल ही मचा दिया और बंदे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। क्या शिमार जोसफ को आप पीएसएल में देखना चाहते हैं? तो क्या ख्याल है, क्योंकि नवीन उल हक की रिप्लेसमेंट अभी पेशावर ज़ैनी ने ले ली है। ओवरऑल 6 प्लेयर्स अभी पिक होंगे जिनके ऊपर रिजर्व्ड यानी कि लगा हुआ है। अगर 6 की बात करूं तो 2 लाहौर कलंदर ने पिक करना है, मुल्तान सुल्तान ने कोई प्लेयर पिक नहीं करना है, इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ैनी, यानी कि बक्के जो टीम है लाहौर के अलावा, उन्होंने एक एक प्लेयर पिक करना है। लाहौर ने 2 प्लेयर्स पिक करने हैं। ओवरऑल यानी कि 6 प्लेयर्स अभी मजीद पीएसएल के अंदर आपको इन एक्शन नजर आएंगे, जब पिक होती है नजर आएंगे। ड्राफ्ट दोबारा होगा, यह भी आपके जेहन में होना चाहिए। इनकी कोई इस तरीके से जूम के जरिए मीटिंग नहीं होगी, ये फ्रेंचाइज टीमें अनाउंस कर देंगी कि भाई हमने इस प्लेयर को पिक किया। लेकिन ज़ैनी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है, ज़ैनी के जो ऑनर हैं जावेद अफरीदी वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि कुछ भाई यानी कि नया किया जाए ज़ैनी फैंस के लिए। तो शिमार जोसफ जो है, लुंगी नगीडी की जगह आपने स्पिनर्स वकास सलाम खैर को यानी कि टीम भैसा बनाया, हालांकि आपने गॉस एटकिंसन जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक है उसको भी आपने टीम भैसा बनाया, वो भी एक फास्ट बॉलर है, लेकिन वकास सलाम खैर जो है वो सबको पता है स्पिनर है, यानी कि वो एक तगड़ा फास्ट बॉलर चाहते हैं। हालांकि अरशद इकबाल हैं खुरम शहजाद की जगह जो कि पार्सल अवेलेबल होंगे, लेकिन एक तगड़ा फास्ट बॉलर चाहिए। क्या शिमार जोसफ टीम का हिस्सा बन सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जनाब हिंट दे दिया गया, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन शहजाद, शर्जील, उमर अकमल के फैंस अभी दिल छोटा मत करें, क्योंकि 6 प्लेयर्स पिक होना है, हो सकता है कि इनका भी नंबर लग जाए। हालांकि हम तो यार आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शर्जील की जगह आज भी बनती थी, उमर अकमल की जगह आज भी बनती थी, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। लेकिन चलो कुछ ले दे के हैदर अली की टीम के अंदर एंट्री हो चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी सही, लेकिन हैदर को टिकट तो मिल चुका है। अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।